फ्रेंड आज अपने पास आई है सेंट्रो गाड़ी, काफ़ी ओल्ड मॉडल है, 7-8 का मॉडल है। इसमें ऑटोकॉक की सेंट्रल लॉकिंग लगी है 24 पिन की, आप देख पा रहे हो 24 पिन में कई आती हैं। इस पे लिखा हुआ है हुंडई, कंपनी वाले इसको फिटिंग करके देते हैं, आफ्टर मार्केट होती है लेकिन कंपनी वाले लगा के देते हैं, होती ऑटोकॉक की है 24 पिन। और इसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो अपना बोनट का स्विच होता है जो वायर होता है वो कटा हुआ था, तो हमने इसमें क्या किया है काट के इसको एक अलग से वायर लगा के और बैटरी के माइनस में अर्थ कर दिया है। ये वाला आप तार देख रहे हो ब्राउन, ये बोनट का होता है, इसको अर्थ करना होता है तो हमने बैटरी के माइनस में कर दिया है। दूसरी डोर स्विच की जो वायर थी वो भी कटी हुई थी, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, वायरिंग सारी कटी हुई है। ये ग्रे कलर की वायर देख रहे हो डोर स्विच की है, ये हमने डोर स्विच में लगा दी है। आप डोर स्विच में लगा सकते हो, बॉडी में कहीं भी अर्थ कर सकते हो उसको। दिखाते हैं हमने बोनट की जो लगाई है आगे लगाई है, और ये डोर स्विच की वायर है, ये हमें यहाँ अर्थ करके रखनी होती है यहाँ। और जो हमारी दूसरी वायर है वो हमने यहाँ लगाई हुई है माइनस में बैटरी के, ये अपनी बोनट वाली होती है ब्राउन कलर की, वो माइनस में लगानी है। आइए आपको दिखाते हैं रिमोट मैचिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम जो है डोर स्विच की जो वायर है उसको अर्थ करके रखेंगे यहाँ पे, ये हमने अर्थ करके रखा, पकड़िए चाबी ऑन कर। इसके बाद हमने चाबी ऑन करनी है, तकरीबन ना कोई वायर बीप आएगी, कुछ नहीं होगा। हमने 5 बार ये वाली तार हटा के लगानी है, 1, 2, 3, 4, 5। दिक्कत ये परेशानी है इसमें, ना तो सायरन लगा हुआ है ना कोई और वो है कि जो बीप आ जाए, तो हमें अंदाजे से ही करना है। तो एक बार में नहीं हो तो दोबारा में करना पड़ेगा, अभी हम दोबारा करते हैं। ये हमने लगाया हुआ है तार, एक हल्की सी आवाज़ आएगी वही आपको छाननी है। चाबी एक बार ऑफ करके ऑन कर, ऑन कर, हल्की सी कट की आवाज़ आई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार लगाए फिर दोबारा कट की आवाज़ आएगी। ये देखो चाबी ऑफ़ करनी है, ऑन करेंगे, ऑफ कर, ऑन कर, इंडिकेटर फ्लैश हुए। अब रिमोट का लॉक अनलॉक बटन दबाना है, लॉक बटन दबा, 2-3 बार दबा दबा, दोबारा से एक बार ऑफ करनी है, ऑन करेंगे और फिर से रिमोट की लॉक बटन दबानी है, दबाए या 5-7 बार दबा के रखेंगे, छोड़ दबा, फिर एक बार ऑफ़ कर, फिर ऑन कर, फिर लॉक बटन दबानी है। जब तक हमारी सेंटर लॉकिंग ना गन ब्रेक मारे जब तक हमने लॉक बटन दबानी है। आप देख रहे हो उसमें होने लगा, ये सेंटर लॉकिंग चली, रिमोट आगे कर, रिमोट आगे कर। ठीक है फ्रेंड, ये हमने अंदाजे से ही किया है, ना तो इसमें कोई बीप आ रही थी, ना सायरन था, ना कुछ था। अभी आपको दिखाते हैं, जो भी हमने वायर लगाई है वो सब हटा देंगे, जैसे हमने एक डोर स्विच की लगाई हुई थी ये भी हटा देंगे, डोर स्विच टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर कि हम यहाँ से सारी वायर हटा देंगे। एक ये लगाई हुई थी डोर स्विच की, एक ये लगाई हुई थी बोनट की, इसको भी हटा देंगे, इसमें हम टेप मार देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, 24 पिन में होती है अक्सर, लेकिन हमारा फाइनली काम हो गया है। देखो रिमोट हमारा 24 पिन का है, ये 315 की फ्रीक्वेंसी है, लॉक लॉक बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ऑटोकॉक का हमारा जो आफ्टर मार्केट आता है वो वाला रिमोट है, और इसमें आप वीडियो केडी का लगा सकते हो, 315 फ्रीक्वेंसी आती है। तो फ्रेंड आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताओ वीडियो कैसा लगा।